वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। मेरी पिछली वीडियो में हमने जेआर हिक्स के द्वारा दिए गए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्टडी किया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर वरी करता है। तो मेरी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्लट्सकी के द्वारा दिया गया जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसके बारे में। स्लट्सकी के द्वारा दिया गया जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो जे आर हिक्स के द्वारा दिए गए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जे आर हिक्स का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था वो सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व पर वरी करता था, और स्लट्सकी के द्वारा दिया गया जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट करता है। स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि जब किसी वस्तु की जो प्राइजेस हैं उसमें चेंज आता है, तो उसमें चेंज आने के कारण जो कंज्यूमर की रियल इनकम है या फिर उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। सो कंज्यूमर की जो वो परचेजिंग पावर है फिर या फिर जो कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया वो उसकी परचेजिंग पावर के इक्वल होगा जो कि प्राइस चेंज के कारण उत्पन्न हुआ है। स्लट्सकी की इस अप्रोच के अनुसार कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, मतलब कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें या फिर इंक्रीमेंट हो या फिर कंज्यूमर की जो इनकम है वो डिक्रीज हो, उसका जो उसके पास जो इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद उसके पास जो इनकम का जितना भी अमाउंट बचता है वो उसके बराबर होना चाहिए जहाँ पर उसकी जो पहले वाली सिचुएशन थी, जहाँ पर वो पुराने प्राइजेस पर वस्तुओं के कॉम्बिनेशन खरीदता था, उतने ही कॉम्बिनेशन वो इनकम चेंज होने के बाद भी खरीद सके। सो वस्तुओं की जो प्राइजेस हैं उसमें चेंज आने के कारण कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उसमें चेंज आया, तो इसका मतलब है कि जो एक्स वस्तु की जो कमोडिटी या फिर यूनिट है उसमें उसकी जो प्राइजेस है उसमें चेंज आया, और इस प्राइसेस के चेंज होने का मतलब है कि उसकी जो कॉस्ट है उसमें परिवर्तन आया। तो इससे जो न्यू प्राइस है उस कॉस्ट की वजह से जो न्यू प्राइस है एक्स वस्तु का वो इस्टेब्लिश हुआ। तो इसी को ही जो स्लट्सकी ने कहा है कि ये जो डिफरेंस आता है या फिर चेंज आता है वो कॉस्ट के कारण आता है। इसलिए जो स्लट्सकी है उसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कंज्यूमर की जो इनकम है इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, वो जो इनकम में परिवर्तन है वो कॉम्पनसेटिव वेरिएशन की वजह से नहीं आता है, वो कॉस्ट डिफरेंसेस की वजह से आता है। तो यही चीज जो है वो जे आर हिक्स के जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको अलग करती है स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। जे आर हिक्स के केस में जो प्राइसेस में चेंज आता था या फिर कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है उसमें चेंजेस जो आता था वो कॉम्पनसेटिव वेरिएशंस के कारण आता था, बट जो स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसमें चेंजेस कॉस्ट डिफरेंसेस की वजह से आते हैं। सो ये इसका एक मेन पॉइंट है। अब हम स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। इसमें फर्स्ट केस हम लेंगे कि जब वस्तुओं की जो प्राइस है वो डिक्रीज होती है, इनकम में परिवर्तन आने से कंज्यूमर जो पहले वस्तुओं की कॉम्बिनेशन खरीद सकता था उसके बाद भी इनकम में परिवर्तन आने से कंज्यूमर उसके बाद भी उसके पास उतना अमाउंट शेष रह जाता है जिससे कि वो अपनी पहले वाली जो कमोडिटीज हैं या फिर पहले वाला जो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन है उसको खरीद सके। तो वो जो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है वो क्यू पॉइंट पर है जो कि जी एच लाइन पर है, और जी एच जो लाइन है वो पी एल डैश के पैरलर में है, और क्यू पॉइंट का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आई सी वन पर है। इसका मतलब है कि जो वाई वस्तु के केस में जो इनकम है वो जी और पी के बीच में है, और एक्स वस्तु के केस में जो इनकम है वो एच और एल डैश के बीच में है। अब मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं उनकी जो प्राइजेस है उसमें चेंज आ गया, तो पहले तो जो कंज्यूमर है वो क्यू पॉइंट पर था जहां पर कि वो वाई वस्तु की ज्यादा कमोडिटीज का कंज्यूम या फिर कंजम्पशन कर रहा था। अब उसमें उसकी जो एक्स वाई वस्तु की जो प्राइजेस है उसमें इंक्रीज आया,
और एक्स वस्तु की जो प्राइसेस है उसमें डिक्रीज हुआ या फिर इसकी जो प्राइसेस हैं एक्स वस्तु की वो कम हो गई, तो कंज्यूमर जो है अब वाई वस्तु को ना खरीद कर एक्स वस्तु की ओर बढ़ेगा, तो इससे वो क्यू पॉइंट से शिफ्ट होकर जो उसका नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस केस में जो स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसमें वो इंडिफरेंस कर्व एक ही इंडिफरेंस कर्व पर स्टेबल ना रहकर वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए जो कंज्यूमर का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पॉइंट एस पर होगा जो कि इंडिफरेंस कर्व टू पर है। सो इस इक्विलिब्रियम सिचुएशन में हमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो एक्स वस्तु की जो डिमांड है अब कंज्यूमर ने ज्यादा कर दी है जो कि ओ के पर है। सो ओ से लेकर के कर जो पॉइंट के तक जो पॉइंट है वो एक्स वस्तु की जो डिमांड है या फिर एक्स वस्तु की जो क्वांटिटी कंज्यूमर के द्वारा खरीदी गई उसको बता रहा है। इसमें कंज्यूमर का जो पहले इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट था वो क्यू था और अब उसके इन प्राइसेस में परिवर्तन आने के कारण कंज्यूमर जो है वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट हो गया है जो कि है एस पॉइंट। तो ये जो पॉइंट्स हैं पहले वाले इंडिफरेंस कर्व 1 के कंपैटिबली इंडिफरेंस कर्व 2 पर जब कंज्यूमर जाएगा तो उसको हायर सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगी पहले वाले पॉइंट के कंपैटिबली। स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जो कंज्यूमर है वो एक इंडिफरेंस कर्व से शिफ्ट होकर दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर आ जाएगा। यही जो बेसिक लाइन जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताती है और इसमें जो एक इंडिफरेंस कर्व से दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर जो इसकी शिफ्टिंग है यही जो इसके सब्स्टिट्यूशन का जो है वो प्रभाव बताया है। वस्तुओं की जो प्राइसेस है उसमें डिक्लाइन होने के कारण जो वस्तुओं का सब्स्टिट्यूशन किया गया कंज्यूमर के द्वारा वो जो एक्स वस्तु के केस में सब्स्टिट्यूशन हुआ वो ओ के पॉइंट पर था और एक्स वस्तु की कंज्यूमर ओ के क्वांटिटीज को परचेज करेगा जो कि वाई वस्तु से ज्यादा है और वाई वस्तु की ओ डब्ल्यू क्वांटिटीज जो है वो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है वो परचेज करेगा। सो ये केस तो हमने स्टडी किया कि जब वस्तुओं की जो प्राइसेस हैं उसमें डिक्लाइन आता है या फिर वस्तुओं की जो प्राइसेस है उसमें कमी आने के कारण सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि जब वस्तुओं की जो प्राइसेस हैं उसमें इंक्रीज होता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे काम करता है। सेकेंड केस में हम अज्यूम करेंगे कि जो एक्स वस्तु है उसकी प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है या फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है और वाई वस्तु की जो प्राइस है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। सो कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। सो इसकी जो इनिशियल पहले वाली जो बजट लाइन थी पीएल वो पीएल से शिफ्ट होकर पीएल डैश पर आ जाएगी जो कि एक डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगा। एक्स वस्तु की जो प्राइसेस हैं उसमें परिवर्तन आने के कारण जो एक्स वस्तु है वो महंगी हो जाएगी और एक्स वस्तु के कंपैरिजन में वाई वस्तु जो है वो सस्ती हो जाएगी। इसमें हमें स्लट्सकी का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसको देखने के लिए जो कंज्यूमर की इनकम है या फिर कंज्यूमर की जो रियल इनकम है उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे कि हम जो कॉस्ट डिफरेंसेस आए वस्तुओं के बीच में उसको मेजर कर सकें। सो हम कंज्यूमर की जो इनकम है उसको इंक्रीज करेंगे या फिर उसको उस लेवल तक बढ़ाएंगे जिस लेवल तक वो पहले वाली जो कॉम्बिनेशन थे वस्तुओं के उसका उपभोग कर रहा था। सो इनिशियल बजट लाइन पे जो कंज्यूमर था वो क्यू क्वांटिटी को उपभोग कर रहा था जो कि पीएल बजट लाइन पर स्थित है। कंज्यूमर की इनकम को बढ़ाकर और उससे जो कंज्यूमर है वो पहले वाले जो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन है उनको परचेज कर सके इसलिए हम एक एक्स्ट्रा बजट लाइन को जो है यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो कि जीएच है। सो जीएच जो है कंज्यूमर की न्यू बजट लाइन है जिससे कि जो कंज्यूमर है वो इनिशियली जो वो कॉम्बिनेशन परचेज कर रहा था क्यू पॉइंट पर वहां पर आ जाए। इस केस में जो कॉस्ट डिफरेंस हमारे पास आया वो है पी जी जो कि वाई वस्तु का कॉस्ट डिफरेंस है और
एल डैश एच जो है वो एक्स वस्तु का जो है वो कॉस्ट डिफरेंस है। सो कंज्यूमर की जो नया बजट लाइन है वो जी एच पर आ गया है, तो जो कि कंज्यूमर की जो पहले वाली वस्तु की जो कॉम्बिनेशन है उसको परचेज कर सकता है। पर अब जबकि जो कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर में इंक्रीमेंट हुआ है, तो जो कंज्यूमर है वो सब्स्टिट्यूट करेगा और अपने नए जो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो कि IC3 पर है, एस पॉइंट, उस पर आ जाएगा। क्योंकि जो कंज्यूमर की इनकम है वो अब इंक्रीज हो चुकी है, तो वो वाई वस्तु की जो ज्यादा क्वांटिटीज है उसको परचेज करेगा जो कि एस पॉइंट पर है। कंज्यूमर की जो ये मूवमेंट है क्यू पॉइंट से लेकर एस पॉइंट तक, ये जो क्यू पॉइंट से एस पॉइंट के बीच में जो कंज्यूमर की जो मूवमेंट है, इसी को ही जो है स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें इसलिए प्राप्त हुआ कि जो कंज्यूमर की इनकम में कमी आ रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया। सो कंज्यूमर की जो इनकम में कमी आ रही थी उसको कैंसिल करने के बाद जो स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो पॉसिबल हुआ है। सो इसी एक्सप्लेनेशन से ये बात तो क्लियर हो गई कि जो हिक्सियन का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से डिफरेंट है, और हिक्सियन का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट था वो सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व पर मूव करता था, और स्लट्सकी का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो एक इंडिफरेंस कर्व से शिफ्ट होकर दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्टडिंग।